नमस्कार। आज बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड पेपर यानी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन एनजीओस पर पेपर में एक चैप्टर है मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में मॉड्यूलर प्रकार की यानी प्रतिरूपक प्रकार की जो ग्रोथ है, मॉड्यूल का मतलब होता है प्रतिरूप और मॉड्यूलर का मतलब होता है प्रतिरूपक, यानी पादपों में प्रतिरूपक प्रकार की वृद्धि कैसे होती है उसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप सबको पता है कि पादपों में चार तरह के मेरिस्टेम पाए जाते हैं। एक वह जो सीड्स पे पाया जाता है जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, दूसरा वह मेरिस्टेम जो पर्व संधियों में पाया जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, एक वह मेरिस्टेम जो सम्हेन बंडल में पाया जाता है, सम्हेन पूल में पाया जाता है कैम्बियल मेरिस्टेम कहते हैं, और एक इस प्रकार का मेरिस्टेम जो डिफ्यूज्ड होता है यानी डिफ्यूज्ड मेरिस्टेम कहलाता है। जैसा कि अपने को पता है कि पादपों में जो वृद्धि होती है एपिकल प्रकार की होती है, और एपिकल में जो दो तरह के एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं पादपों में, एक रूट एपेक्स और दूसरा शूट एपेक्स। अभी इस वीडियो में मैं केवल शूट एपेक्स के बारे में ही बात करूंगा और शूट की मॉड्यूलर ग्रोथ के बारे में ही बताने का प्रयास करूंगा। तो शूट एपेक्स मेरिस्टेम का निर्माण करती है और इस मेरिस्टेम से लीफ प्राइमोर्डिया बनती है। जैसा कि अपन देखते हैं कि प्रत्येक पौधे पे जो पत्तियों के लगने का विन्यास है वो अलग अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट अपन कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी आंख में देखते हैं कि उसमें ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है जिसे हिंदी में सम्मुख क्रोसित पर्ण विन्यास कहते हैं। तो प्रत्येक पादप की यह विशेषता होती है कि उसमें किस तरह का पर्ण विन्यास पाया जाए। पर्ण विन्यास क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन एक्सिस ऑफ प्लांट यानी पादप की अक्ष पर पत्तियों के विन्यास को पर्ण विन्यास कहते हैं। जब मैं पत्तियों के विन्यास और पत्तियों के बारे में बताऊंगा तो इस विषय में विस्तार से अपन जानने का प्रयास करेंगे। और एक तो यानी शूट एपेक्स जो मेरिस्टेम है वो लीफ प्राइमोर्डिया का निर्माण करती है, और ग्रुप ऑफ सेल्स है वो नोड्स इंटर नोड और पत्ती की अक्ष में जो कलिका होती है उसका निर्माण करती है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाया है मैंने। इस डायग्राम में आपको सेल्स का प्रदर्शन किया गया है, मेरिस्टेम का प्रदर्शन किया गया है, और इसे अपन मॉड्यूलर ग्रोथ का यानी मॉड्यूल का श्रेणीबद्ध संगठन बताया है। यानी मॉड्यूल में क्या क्या चीजें होती है, कोशिकाएं होगी, मेरिस्टेम होगा, मेटामर होगी और मॉड्यूल होंगे। ये किस तरह से निर्मित होते हैं? प्रारंभ कोशिका से होता है। कोशिकाएं अगर विभाजनशील है तो वो विभज्योतक ऊतक का निर्माण करती है जिसे मेरिस्टेम कहते हैं, और मेरिस्टेम से बाद में मेटामर और मेटामर के बाद में मॉड्यूल का निर्माण होता है। यहाँ मेरिस्टेम के बारे में अपन समझ सकते हैं कि विभाजनशील कोशिकाओं के समूह को मेरिस्टेम और विभज्योतक कहते हैं। कोशिका किसी भी पादप की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, ये सबसे पहले बताया था। लेकिन जब कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एंड स्वान ने किया था तो उन्होंने कहा था कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। लेकिन उसके बाद कोशिका सिद्धांत में कई परिवर्तन हुए। मैं कोशिका के बारे में भी बताने का प्रयास करता हूँ, आगे भी आप याद रखेगा, क्योंकि यो जब उत्कों के बारे में और कोशिका उत्तक अंग तंत्र पढ़ेंगे तो भी ये डेफिनेशन मैं आपको पुनः बता सकता हूँ और आपसे प्रश्न भी कर सकता हूँ। यानी चार बिंदु हैं जिसके बारे में अपन कोशिका को समझ सकते हैं, जिनके द्वारा अपन कोशिका को समझ सकते हैं। एक, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तीसरा, अनुवांशिक सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण भी कोशिकाओं के माध्यम से होता है। और महत्वपूर्ण की सारी उपापचय क्रियाएं हैं वो कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। ये कोशिका और
विद्युत की कोशिकाओं का समूह यानी विभाजनशील कोशिकाओं के समूह को मेरिस्टेम कहते हैं। और यहाँ पे मेटामर लेंगे तो मेटामर क्या है, क्वाड्रीपार्टाइट सेट ऑफ लीफ नोड इंटरनोड एंड एसोसिएटेड बड्स। मतलब मेटामर में चार भाग आते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वाड्रीपार्टाइट सेट कहा है। पहला है पत्ती, दूसरा है नोड, तीसरा है इंटरनोड और चौथा है एसोसिएटेड बड। एसोसिएटेड बड यानी पत्ती की कक्ष में जो कलिका निकलती है, यह पूरा का पूरा जो रचना है इसे अपन मेटामर कहेंगे। जैसे मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, यह नोडल रीजन है, इस नोडल रीजन पे ये लीफ है, चार संरचनाएं मिलके मेटामर का निर्माण करती है, जिसमें सबसे पहला पत्ती, पत्ती की कक्ष में पाई जाने वाली कक्षस्थ कलिका या एक्सिलरी बड, दूसरा नोड और दो नोड के मध्य का जो स्थान है जिसे अपन इंटरनोड कहते हैं, यानी पर्व संधियां, पत्ती और कक्षस्थ कलिकाएं, इन चारों के समुच्चय को, सेट को अपन मेटामर कहते हैं। और इन मेटामर्स के द्वारा मॉड्यूल का निर्माण होता है, कई तरह के रिपीटेड मेटामर्स है वो मॉड्यूल का निर्माण कहते हैं। इस कारण अपन कह सकते हैं दीज आर बेसिक यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या है, मॉड्यूल, और मॉड्यूल आगे जाके किसका निर्माण करता है, तने का निर्माण करता है। तो तने में मॉड्यूल किस तरह से निर्मित होता है, ये कोशिका से मेरिस्टेम से मेटामर और मेटामर से मॉड्यूल, ये चार बातें आती है। मॉड्यूल क्या है, मेटामेराइज्ड एक्सिस यानी पादप की खंडित अक्ष। मेटामर का मतलब खंडी भवन, मेटामेराइजेशन का मतलब खंडी भवन हो गया, तो खंडित अक्ष। जैसे ये पूरा एक खंड है, इसके ऊपर चलेंगे यहां पे ये दूसरा खंड हो गया, नोड तक जाएंगे, नोड इंटरनोड लीफ एक्सिल बड, तो इस तरह से कई तरह के खंड मिलकर मॉड्यूल का निर्माण करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, या होती है मेटामोराइज एक्सिस हुज ग्रोथ टर्मिनेटेड बाय डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरोसेंस टेंड्रिल और पेरेन्काइमेटाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। यानी ऐसी खंडी भवन अक्षिस या अक्ष जो खंडों के द्वारा निर्मित होती है, जो जिसकी ग्रोथ है, वृद्धि है, कब रुकती है, एक तो डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरोसेंस यानी पुष्प क्रम जब निर्मित होगा तो शूट की ग्रोथ रुक जाएगी, दूसरा टेंड्रिल। जैसे अभी बरसात का मौसम है, आप देख रहे होंगे कि कई प्लांट्स में टेंड्रिल का निर्माण होता है, तो तब रुकेगी। और तीसरी बात कब रुक सकती है, पेरेन्काइमेटाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, जो शीर्षस्थ विभज्योतक है उसका पेरेन्काइमेटाइजेशन हो जाए। पेरेन्काइमा क्या कहती है, ऊतक के प्रकार है, उसके अपन बताएंगे पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा यानी मृदुतक। तो एपिकल मेरिस्टेम का मृदुतकीकरण अगर हो जाता है तो मॉड्यूल है, और जिसे मेटामेराइज्ड एक्सिस कहते हैं, जो चार भागों से मिलकर बना, चार भागों की रिपीटेड सीक्वेंस से मिलकर बना होता है, क्रमबद्ध अनुक्रमों से मिलकर बना होता है, लीफ नोड इंटरनोड एंड एसोसिएटेड बड्स, जिसे अपन एक्सिलरी बड कहते हैं। फिर जैसा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि पौधे में इस तरह का मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन टेम्परेट किसे कहेंगे, शीतोष्ण या समशीतोष्ण,
सम शीतोष्ण एरियाज है वहां पे सीक्वेंस ऑफ मेटामर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर ग्रुप्स करस्पॉन्ड्स टू पैटर्न ऑफ ग्रोथ इंटरप्टेड बाई सीजनल डोरमेंसी ऑफ एपेक्स, यानी सीजन में सीजन उन पर प्रभाव डालती टेम्परेट रीजन में, तो एक सीजन में ग्रोथ कम हो जाएगी, एक में ज्यादा होगी, तो वो सीजन के कारण इनकी सीक्वेंस में परिवर्तन आ जाता है और पैटर्न में बदलाव आता है और तब क्या बनते हैं, सब मॉड्यूल बनते हैं। और सब मॉड्यूल क्या है, सीजनली प्रोड्यूस ग्रोथ यूनिट्स। ये कहां से बनेगी, ओनली फॉर्म पार्ट ऑफ मॉड्यूल, ये केवल मॉड्यूल का एक भाग का निर्माण करती है, पूरे मॉड्यूल का निर्माण नहीं करती। लेकिन कई तरह की बड्स हैं जो सीजन के ऊपर निर्भर करती है और मौसम के ऊपर निर्भर करती है, उसके कारण उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, तो ये एक मॉड्यूल का पार्ट का निर्माण करती है, इसे अपन कहेंगे सब मॉड्यूल, यानी सब मॉड्यूल यानी पार्ट ऑफ मॉड्यूल विच फॉर्म ड्यूरिंग वेरियस सीजन्स। भिन्न भिन्न प्रकार के मौसम में मॉड्यूल का वह भाग बनता है, उसे सब मॉड्यूल कहते हैं। और अपन क्या कर सकते हैं, ब्रांच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी एडवेंटिशियस बर्ड रिप्रेजेंट ए मॉड्यूल, की कोई भी शाखा है एक्सिलरी बर्ड से यानी पत्ती की कक्षस्थ कलिका से, और एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड यानी पहले विद्योतक नहीं होता लेकिन परिस्थिति अनुकूल और वातावरण के उद्दीपनों द्वारा विद्योतक उत्तक का निर्माण होता है, वो जाकर कलिकाओं का निर्माण करते हैं, अपस्थानिक कलिकाएं कहलाती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स कहलाती है। जैसे ब्रायोफिलम की पत्ती के किनारों पे मार्जिन्स पे बनने वाली जो बर्ड्स है उन्हें एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स है वो भी एक मॉड्यूल का रिप्रेजेंट करती है। और इम्पोर्टेंट क्या है, दस द शूट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ मेटामेरिकली कंस्ट्रक्टेड मॉड्यूल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम वेरिंग एज एंड एक्टिविटी, यानी भिन्न भिन्न आयु वर्ग के और सक्रियता के एपिकल बर्ड के मेटामोराइजेशन के कारण जो शूट सिस्टम है वो उनका संगठन है, कलेक्शन है। इस तरह के मेटामेराइजेशन होता है शूट्स में, तो उन मेटामेराइजेशन के कारण जो शूट सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ मेटामेरिकली कंस्ट्रक्टेड मॉड्यूल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम ऑफ वेरिंग एज एंड एक्टिविटी, यानी भिन्न भिन्न आयु वर्ग के और सक्रियता के एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्षक विभज्योतक के कारण जो सेगमेंट बनते हैं उनका कलेक्शन है, संग्रह है, जिसे अपन कहते हैं शूट सिस्टम और प्रोतंत्र। तो प्रोतंत्र अलग अलग आयु ग्रुप के एक ही पौधे पे मेरिस्टेम और उनकी सक्रियता के कारण बनने वाले मेटामेरिकली सेगमेंट से उनका संगठन होता है। अब ये कब तक रहती है एपिकल मेरिस्टेम, यानी जनन के समय जो एपिकल मेरिस्टेम है वो पुष्प का निर्माण करती है। मैंने यहां पे कहा था कि मॉड्यूल मेटामोराइज एक्सिस विद ग्रोथ टर्मिनेटेड बाय डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस का निर्माण कब होता है, जनन के समय होता है। तो जनन प्रावस्था में एपिकल मेरिस्टेम है वो पुष्प का निर्माण करती है तथा मेटामर्स के द्वारा पुष्प के भागों का निर्माण होता है। मेटामर्स यहां पे आए ना, लीफ नोड इंटरनोड एसोसिएटेड बट, ये पुष्प के भागों का निर्माण करती है, निबायदल दलपुंज पुंकेसर स्त्री केस का निर्माण करती है। लेकिन कई ऐसे प्लांट हैं जिनमें डिटर्मिनेंट टाइप के मॉड्यूल होते हैं, जैसे मक्का है और तंबाकू है, कि इतने मेटामेराइज सेगमेंट बनेंगे उसके बाद में इस पौधे में पुष्प क्रम
का निर्माण होना ही होना है, इस तरह के मॉड्यूल सिस्टम को डिटरमिनेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल सिस्टम कहते हैं, जिसके उदाहरण मक्का और टोबैको यानी तंबाकू में मैंने बताया। लेकिन अब है कि प्रोतंत्र में जब तक मॉड्यूल सिस्टम कब तक निर्मित होता रहेगा, जब तक शीर्षस्थ विद्योतक है तब तक प्रोतंत्र में मॉड्यूल सिस्टम सक्रिय रहता है। लेकिन जो ही शीर्षस्थ विद्योतक की सक्रियता समाप्त हो जाती है तो कक्षस्थ कलिकाओं के विद्योतक उत्तक हैं वो उद्दीपक होते हैं, सक्रिय होते हैं तथा नई नई शाखाएं बनती है। जैसे अपन देखते हैं एपिकल डोमिनेंस भी कहते हैं कई पात्रों में, तो अगर आपने एपिकल बड को रिमूव कर दिया या तोड़ दिया तो फिर आप देखेंगे कि उसमें पहले तो एक ही ब्रांच चलती थी, लेकिन जो ही एपिकल बड को तोड़ा उसकी शाखाओं से, उसके पत्तियों के कक्षों से कई शाखाओं का निर्माण हो जाता है जिन्हें पार्श्व शाखाएं और एक्सिलरी ब्रांचिंग कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मॉड्यूलर ग्रोथ है तब तक ही रहेगी जब तक पौधे की एपिकल मेरिस्टेम चलती है। और दूसरा है कि मुख्य अक्ष पर मॉड्यूल का प्रकार तथा इसकी स्थिति वो पौधे की विशेषताओं का निर्माण करती है, यानी पौधे की विशेषताएं ग्रोथ पैटर्न की जो विशेषताएं हैं वो मॉड्यूल का प्रकार, किस तरह का मॉड्यूल है या सब मॉड्यूल है उसका प्रकार तथा अक्ष पर उसकी स्थिति कहाँ है, इसके आधार पर पौधे की जो मॉर्फोलॉजी है वो निर्धारित होती है। प्रत्येक पौधे की मॉर्फोलॉजी अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करता है मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ पर और मॉड्यूल कौन सा सक्रिय है उस पर। तो आज मैंने आपको पादपों में, एंजियोस्पर्मिक पादपों में मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ, उनके प्रो में किस तरह की मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ पाई जाती है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा उसमें मैं रूट सिस्टम में किस तरह की मॉड्यूलर ग्रोथ होती है उसको बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कुछ चीजें आपके समझ में नहीं आई हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रश्न करके पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद।